और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर का निधन। लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे। राष्ट्रपति ने ट्वीट कर पर्रिकर को श्रद्धांजलि दी। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बेहद दुखद खबर, गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर का निधन हो गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर उनके निधन की जानकारी दी। तो निधन से एक घंटे पहले ही बताया गया था दरअसल कि मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की हालत बेहद नाजुक है। डॉक्टर्स ने बताया था कि उनकी हालत बेहद नाजुक है। डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, ये कहा गया था डॉक्टरों की तरफ से, लेकिन कुछ ही देर बाद ये खबर आई, बेहद दुखद खबर, देश के लिए, पार्टी के लिए बड़ी क्षति। गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर का निधन हो गया। सीएम पर्रिकर हालत बिगड़ने के बाद आपको बता दें शनिवार से ही अस्पताल में एडमिट थे। दरअसल 2018 में अग्राशय कैंसर से पीड़ित थे मनोहर पर्रिकर। दरअसल बात अगर उनके व्यक्तित्व की जाए तो मनोहर पर्रिकर की पहचान एक ईमानदार और सादगी भरा जीवन जीने वाले नेताओं में होती रही है। आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट पर्रिकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सक्रिय प्रचारक भी थे। वो तीन बार से गोवा के मुख्यमंत्री हैं और कहीं ना कहीं लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे पर्रिकर। और साथ ही अगर तमाम उनसे जुड़े लम्हों की बात करें तो उन्होंने विश्व कैंसर दिवस पर ये कहा था कि मानव मस्तिष्क किसी भी बीमारी पर जीत पा सकता है। दरअसल लगातार 2018 की बात करें तो उनकी स्थिति 2019 में काफी ज्यादा खराब हो गई थी। कैंसर लगातार फैल रहा था और इस वजह से गोवा, मुंबई और अमेरिका जैसे तमाम जगहों पर उनका इलाज भी हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं हो पाया। लगातार डॉक्टर्स भी प्रयास करते रहे और जिस तरह से खबर ये भी अभी मिल रही थी कि कुछ देर पहले ही कहीं ना कहीं डॉक्टर की तरफ से कहा गया था कि काफ़ी ख़राब है स्थिति, कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन लगातार डॉक्टर्स प्रयास कर रहे थे कि कहीं ना कहीं स्थिति काबू में हो, लेकिन कुछ ही देर पहले ये दुखद खबर आई, गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर का निधन हो गया।